इलाज करने के लिए। कोई अनाशक्ति सिनेमा देखने जा रहा है, उसका भी उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। और कोई अनाशक्ति है होटल में जा रहा है, तो किसी के जाने का उद्देश्य क्या है? खाना के लिए, खाना स्वादिष्ट खाना तो घर में नहीं खाते, लेकिन जो खाना हमें घर में बनाना नहीं आते और घर में मिलता नहीं है, तो कभी कभी होता है सामने बाहर का आदमी आता है, चलो आज होटल में घूम के आते हैं, रेगुलर एक ही खाना पीने के वहां से खाते खाते बोरिंग हो जाता है, चलो आज थोड़ा चेंज कर लेते हैं खाना। तो हर जगह में जाने के लिए एक उद्देश्य रहता है, उद्देश्य रह जाते हैं। अरे प्रश्न आ सकता है, प्रश्न है कि कोई व्यक्ति सोचिए शॉपिंग मॉल में गया है, आप वास्तव में वो शॉपिंग मॉल में गया है कैसे पता चलेगा? जब शॉपिंग मॉल में गया है तो हमें कैसे पता चलेगा वास्तव में वो शॉपिंग मॉल गया है? हाँ आप क्या कहेगा? हाँ जेब खाली हो जाएगा। अगर अस्पताल में जाए तो जब जाते हैं मरीज तो क्या रहता है? वो बीमारी में रहता है, जब आते वापस में स्वस्थ रहता है। और कोई यार सिनेमा जाते हैं तो सिनेमा गया है तो सिनेमा जाने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। तो वास्तव में सिनेमा देख के आए हैं उसका कैसे पता चल जाएगा? क्या हम कोई फिल्म में कोई गाना है वो गाना का उसका असर उसके अंदर रह जाएगा, गुनगुनाते रहेगा है नहीं? गुनगुना साबित रूप से दो चार घंटा तो रहेगा, फिर क्या ऑफिस में जाएगा बस का नाक खाएगा तो भूल जाएगा। तो इसी तरह एक कमजोर की हाँ नया नया शादी की है तो एक सिनेमा देखने गए, बहुत मनोरंजक सिनेमा है, तो रोमांटिक सिनेमा देखने के लिए गए, तो बहुत बड़ा हीरो हीरोइन का पिक्चर देखने के लिए गए, अच्छा टिकट पर जैसे कहते हैं तो पैसा टिकट खरीद के वहाँ पर बैठे, तो वहाँ पर देख लिया पिक्चर देख के फिर वापस आ गया। फिर वो जो नया दंपत्ति की पत्नी है वो तो भगवती को बता रहा है, देखा वो पिक्चर में वो जो हीरो कितना हीरोइन कितना से प्रेम कर रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो मुझे बेटी नहीं करते। तो वो जो बुद्धिमान था वो इंजीनियर था लड़का, तो उन्होंने चार कारण देखा, चार ही तीन कारण देखा है। तो पहला कारण बता देखो, वो जो हीरो देखा वो प्यार कर रहा है उसके लिए उसे 30 करोड़ रुपया मिलता है, कितना मिलता है? 30 करोड़ रुपया मिलता है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण वो जो प्रेम कर रहा है वो 3 घंटे के लिए है, 3 घंटे का है। और तीसरा कारण बता रहा है वो जो उसके साथ प्रेम का जो ड्रामा कर रहा है वो उसका पत्नी है। तो इसी तरह हमें भी मौका मिल जाएगा तो हम भी करेंगे। तो इसका कहना मतलब है ये कोई भी जगह में हम जाते हैं एक उद्देश्य भी रहता है और उद्देश्य अगर सफल हुआ है उसको पता चल जाता है, उसका आशा उस टाइम पर चलता है। और कोई व्यक्ति अगर सोचिए होटल में खाना खाने गया है और वास्तव में खाना खाया के आए ही घर में, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा वो वास्तव में वहां से साजिश खाना खाके आए नहीं? वो उस दिन पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट दिन पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो खाना है वो तो घर का जैसा नहीं है, सादा खाना तो है नहीं, रिच खाना है, तो पेट में बहुत सारी समस्या होते हैं, डाटा आएगा एसिडिटी आएगी, तो नेक्स्ट दिन उसको समस्या पता चल जाता है। तो इसी तरह अगर हम ये सत्संग में आए हैं एक उद्देश्य तो है, और वास्तव में उद्देश्य किस लिए आए हैं? हम भक्तों का संग करने के लिए। और वास्तव में हम भक्तों संग किए हैं, यहाँ से जब हम घर चला जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वास्तव में हम भक्त संग किए हैं। अगर एक बार एक व्यक्ति ने एक साधु ने कोई भी जगह में जाता है तो साथ में भी छोटा छोटा गुड़िया लेकर जाते हैं, छोटा छोटा गुड़िया एक ही जैसा देखते हैं, तो वो सामने रखते देते हैं गुड़िया को। तो जो श्रोता है उनको पूछ रहा है ये जो आपने गुड़िया रखा है ये किसका उद्देश्य क्या है? तो मैं बोलता हूँ इसलिए रखा है, तीन गुड़िया का तीन काम है। पहला गुड़िया का काम का अंदर से जो हम कोई तीन का घुसाते हैं वो घुसता ही नहीं है, मतलब घुसने नहीं देते, वो घुसने से पहले टूट जाता है,
और दूसरा जो पुर्जा है आंख से घुसता तो है लेकिन दूसरे कान से निकल आता है, और तीसरा जो है आंख के कान से घुसते हुए सीधा कहां चला जाता है, दिल में चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम शांत करने आए हैं, और वास्तव में हम शांत किए हैं कैसे पता चलेगा, वो कान के अंदर घुसेगा नहीं ऐसा तो ये टूट जाएगा, अरे ये कान से सोना दूसरे कान से निकल जाएगा। तो दिल में हमने उस शब्द को उतार लिया है, ये एक्चुअली शब्द का कारण है। तो आदि शंकराचार्य में उनका एक श्लोक है, वो श्लोक में बताते हैं, मैं इतना संक्षिप्त में बताकर खत्म कर दूंगा, उसमें एक श्लोक है, वो श्लोक भी शंभु के वही है, उन्हें बता रहे सत संग से निसंगता, क्या बता रहे सत संग से निसंगता, निसंगता के निर्मोह तत्त्वम, निर्मोह तत्त्वम से निश्चल तत्त्वम, और निश्चल तत्त्वम से जीवन मुक्ति। तो मतलब हम लोग ये संग करने के लिए आए तो क्या हुआ, निसंग जैसे निर्मोह मोह नहीं रहे, संग करने से क्या होगा, बुरा संग नष्ट हो जाएगा। ये बुरा संग क्या है, उसमें रामायण में वर्णन आता है कि जैसे एक फूल होता है, फूल जैसे किसी तरह लड़के के टाइम पर फूल दिखाई देगा, तो वो जो फूल है वो फूल जब हवा के संग करता है तब क्या हो जाता है, वो आंखों में भी बैठ जाता है। ये जो राजा है राजा के मुंह को भी बैठ सकते हैं, जहां हम तो पाटानी तक नहीं बैठ सकते। और कोई फूल जो पानी का संग करता है तो क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो देखिए संग का प्रभाव देखिए, मतलब फूल एक बार हवा का संग किया तो कोई भी जगह बैठ सकते हैं, और जब पानी का संग करता है तो क्या हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो निसंग मतलब हुआ है हमें बुरा संग से छुटकारा मिलेगा जब हम इसी तरह संग में आएंगे। और उसके बाद आता है निर्मोह तत्व, मोह जो शब्द आता है ना ये बहुत रोमांचक शब्द है मोह, जैसे जब इसी तरह कोई सम्मेलन में आते हैं असेंबली में आते हैं तो अब ये मोह शब्द का हम उसे निकालते हैं। तो पूछते हैं प्रभु जी आप बताइए मेरे को संसार से मोह से कैसे छुटकारा मिलेगा, कहते हैं ना उसे लोग बताते हैं ये आप बताइए क्या है मोह से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो लेकिन जब बिजनेस में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, नौकरी में रहता है, ये प्रश्न हमारा दिमाग में नहीं आता, सब संग में आते हैं। तो इसी तरह एक बार राजा जनक का नाम सुना है, सुना है कौन है, सीता जी का माँ सीता जी। तो राजा जनक ने एक बार उनका असेंबली में जैसे इसी तरह सभा है, सभा में उन्होंने बैठे थे और उनका बहुत सारी पार्षद है, तो उसका बहुत सारे पंडित उनकी है। तो राजा जनक ने उन लोगों को बताना है कि मुझे बताओ कि संसार से माया से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वो लोग तो सही से उत्तर नहीं दे पा रहा था। उस समय उनका सभा में महान मुनि अष्टवक्र मुनि वहां पर आके उपस्थित हुआ। तो जब अष्टवक्र मुनि वहां पर महल में आया, सभा में आया, सब खड़ा होकर उनका सम्मान किया, फिर राजा उनका आसन में सिंहासन में बैठ गया और नीचे खड़ा है अष्टवक्र मुनि। अष्टवक्र मुनि को राजा जनक ने पूछ रहा है ये मुनिवर आपको आत्मज्ञान प्राप्त है, आप मुझे बताइए संसार से मोह से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो राजा को बता रहा है देखो ज्ञान तो ऊपर से आता है, तुम बैठे हो ऊपर में मैं खड़ा हूं नीचे। तो राजा को पता चल गया, तुरंत नीचे उतर के उस सिंहासन में मुनि को बैठा दिया, मतलब आप अभी क्या प्रश्न है तुम्हारा, तो जब मुझे कैसे संसार के मोह से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो ये जब सुना तुरंत खड़ा हो गया, खड़ा तो हुआ फिर भागने लगा, खड़ा पहले हुआ और भागने लगा, सब लोग तो असमंजस में पड़ गया, अरे भाई मजरा क्या है, ऐसे तो पहले क्या खड़ा हो गया फिर भागने लगा। सोचिए तो आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं कुछ, आप उनको नहीं दे के हम कहते भाग रहा है तो आप क्या सोचेंगे, ये भूख का बाप दिमाग खराब हो गया। तो वो तो भागते 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 सामने बहुत बड़ा दरवाजा है, दरवाजे निकाल के उनके पीछे पीछे राजा जा रहा है, उनका प्रजा जा रहा है, उनका सभा का जो मेंबर है सदस्य भी जा रहा है। जाते जाते देखा मकान में बहुत बड़े पेड़ है और वो पेड़ को जाके पकड़ लिया और इसी तरह अलिंगन करके बताए मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, इसी तरह
वो और भी असंतुलन पर गया। अरे मजा क्या है भाई, एक तो भाग गया दौड़ तरीके से, सवा से भाग गया दौड़ने लगा, फिर बाहर करके एक खेल देखा, फिर एक को पता लिया, छोड़ दो छोड़ दो। वहां पर चरण राजा का बुद्धिमान उनको पता चल जाए, पता चल गया वास्तव में वो क्या भावना था। लेकिन बाकी लोगों को उतना समझ नहीं है, हम लोगों को समझ आ गया ना क्या कहना चाहते हैं। हम किसी को हम संसार को पकड़ के रखे थे और बता रहे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, छोड़ दो तो ऐसे छुटकारा मिल जाएगा। हम पकड़ के रखे हैं बिजनेस को, परिवार को, मकान को, आप बता रहे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, छोड़ दो ना ईश्वर को दे दो तो हो जाएगा छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है निर्मोह, मोह से मुक्त होने का मार्ग, निश्चल तत्व। ये निश्चल तत्व आप देखा भगवद गीता में छिटा है कि अर्जुन ने बताया है, चंचल मनोह कृष्ण ब्रह्मा की बल पुत्र, बताया है चंचल। चंचल शब्द पूर्व शरण को हम देखते बच्चे को बोलते हैं, जैसे हम नील बैठे हैं ना तो स्थान से बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर ये उम्र में बच्चे जगह बैठते नहीं, एक बार सामने बैठेगा पीछे जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा बस घूमते रहता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चे वो चंचल, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो बड़ा आदमी है, यहाँ से कोई इतना बड़ा आदमी खड़ा हो गया, अरे कोई इधर आ रहा है कोई इधर आ रहा है कोई पीछे जा रहा है, तो हम उसको चंचल कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको पागल हो गया था। तो इसीलिए अर्जुन का भगवान कृष्ण को बताना है कि हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, तो कृष्ण ने बच्चे जैसे बातें करते तो ज्यादा अमल नहीं किया, तो बोलते नहीं चंचल नहीं है मेरा मन, प्रमादी भी है, प्रमात्मा मतलब पागल भी है। दुबला पतला व्यक्ति हमारा होगा वो ऐसा पागल होगा, तो ये व्यक्ति जाकर भाई बाहर जाए ग्लास हो रहा है तो ठीक है आप उसको बाहर भगा देंगे, लेकिन हमारा बलवान होगा शक्तिशाली होगा पागल हो गया बलवान होगा तो हर किसी के लिए उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो जो बाद में क्या होता है, एक तो चंचल है रोमांच है फिर बलवान भी है, उसके बाद क्या होता है बलबुद्धुरा मतलब होता है वो हबीली है, वो मन को समझाना बहुत मुश्किल है। तो मन का जो जिनका ये इस तरह स्थिति है, एक तो चंचल मन है उसके बाद पागलपन है बहुत शक्तिशाली है और चौथा क्या है वो भाटी है, इस मन को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ये संभव नहीं है। इसलिए बता रहे इस शाम का कारण ही है, जितने हम शाम करेंगे जितने हम भगवान के बारे में सुनेंगे शतान पशु का मोदी जो संदिरो इसके बारे में भगवान के बारे में जितने सुनेंगे तो अब क्या होगा उतने ही हमारा इसी तरह जो पूरा संघ है इतने सारे समस्या है धीरे धीरे से हम मुक्त हो सकते हैं। तो लास्ट में इसमें जीवन मुक्त का बारे में बताते हैं, ये जीवन मुक्त क्या है, जीवन मुक्त है जैसे नारियल है आप लोगों को पता है जब नारियल कच्चा रहता है तो उसके अंदर नारियल उसके अंदर वो छिलका के अंदर चुपक के रहते हैं, वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नारियल जब सूख जाता है तो आसानी से वो उसके अंदर रहते हुए भी वो उससे अलग रहता है। उसी तरह भक्त संगत रोहा मतलब संसार में रहने के बाद भी हम सूखा नारियल ऐसे बन जाएंगे जो हमें मोह से हम उसके अंदर रहने के बाद भी हम अलग रहेंगे, तब
तब उनका मन में स्थिति बदल गया, क्या हो गया, नष्ट मोह स्थिति लब्धा तत् प्रसादं माया च स्थितोऽस्मि गत संग परिसवचनम्। अर्थात ये जो भगवान गीता का वाणी सुनने के बाद अर्जुन का स्थिति कैसे बदल गया, वो पहले उनका मौत को लग रहा था गांधी को यहाँ पर रख दिया था, और अभी क्या किया गांधी उठा लिया, और भगवान ने जो बता रहे थोड़ी से वचन आपको मैं तुम जैसे बताया कि मैं ऐसा करूँ, ये वास्तव में शास्त्र संता होना। जब इसी तरह का परिवर्तन हो जाता है तब तो समझना चाहिए वास्तव में हमारा संगति हो। तो लास्ट में सिद्धांत तो यही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कितने सारे बैठे हैं विशेष माता जी लोग, आप लोग उधर दही बनाते हैं, दही गर्मी के टाइम दही बनाते हैं, तो दही बनाने के लिए क्या चाहिए, एक समझ में दही बनाने के लिए जामन देना पड़ता है ना दूध के अंदर। तो वास्तव में दूध में या दही में जब अंतर कैसे पता चल जाता है, एक दूध से दही बन गया है हाँ वो तरह जम जाता है, दूसरा क्या होता है जैसे दूध से बाहर काम करने चार महीने के बाद दूसरा कुछ बारह सकता है मिठाई वगैरह दही से वो नहीं बनता है, इसका मतलब क्या है दूध दही में बदल गया है। तो उसी तरह जामन जैसे कांदा पकता है दूध के अंदर, उसी तरह हमारा हृदय में अभी क्या है दूध के जैसा है। तो जब हरिनाम रूपी हम जामन डालेंगे, हरिनाम रूपी मतलब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, इसी तरह जब जामन डालते रहेंगे हमारा हृदय के रूप में तब वो क्या बन जाएगा दूध बन जाएगा, और दूध से क्या बन जाएगा माखन बन जाएगा, तब माखन से भगवान कृष्ण हमारा हृदय से माखन को चुरा लेंगे, और वो कैसे होगा लगातार एक भगवान का नाम करने से ही वो संभव है। और जामन किया है हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे।